आज वार्ड नंबर चालीस में गुरु रविदास सभा कम्युनिटी उसके साथ सेंटर जो कम्युनिटी हॉल जो है माननीय जुगल किशोर शर्मा जी का हम सब आभार प्रकट करना चाहते हैं जिनके एम्पिलेट से उन्नीस लाख छिहत्तर हजार रुपये की राशि जो है दी गई थी और मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि लगातार से जो हमारी आनेबल कारपोरेटर यहाँ की नीलम नरगोत्रा जी द्वारा हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी और जीत अंग्राल जी संजय बड़ू जी और हमारे केशव चोपड़ा जी इन सारी टीम के प्रयास थे जिसके चलते एम साहब ने उन्नीस लाख छिहत्तर हज़ार की राशि दी थी इस कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है ख़ासतौर पर इस लोकेलिटी में वार्ड नंबर 40 में जो नीलम नरगोता जी का वार्ड है जहाँ से वो पार्षद चुनकर आई है यहाँ पर एक प्रॉपर हॉल नहीं होने के कारण दिक्कत आती है ख़ासतौर पर छोटे मोटे फंक्शंस कोई दस में कोई उठा ले या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई ख़ास तौर पर कुछ रिलीजियस फंक्शन भी होते हैं और मेरा मानना है कि इस हाल के बनने के बाद एक अच्छा वातावरण जो है वो यहाँ पर बनेगा मैं पुनः एम साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कोविड के चलते उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जिसके चलते आज वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि समय पर कार्य जो है वो शुरू हो ताकि समय पर ख़त्म हो ताकि लोगों को इसका फ़ायदा भी हो मैं पुनः हमारी ऑनरेबल कॉरपोरेटर नीलम नरगोता जी का जीत अंग्राल जी का संजय बडू जी का हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी का केशव जी का और खास तौर पर इस हाल के अध्यक्ष खास तौर पर जिस सभा के अध्यक्ष और उनकी महामंत्री उनकी पूरी टीम और जीएमसी के हमारे एक्शन साहब उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस शुभारम्भ में इस कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे साथ हैं और एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत होगी मैं एक तबको रखता हूँ और एक अच्छा वातावरण यहाँ के वार्ड नंबर चालीस के लोगों को देखने को मिलेगा इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय हिंद हाँ इस, इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ जी हमारे गुरु रविदास सफा का हाल है और हमारे एमपी साहब जो किशोर जी की बहुत मेहरबानी से हमारे कोई बीस लाख के करीब करीब पैसा दिया उन्होंने और हमारे एम साहब की मतलब बहुत जो उदान है इस काम पे और मैं मेरी जो हमारी गुरु रविदास सभा की टीम है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और मैंने भी उनके साथ लगकर बहुत मेहनत की है और हमारी सभी सफा की मेहनत से और हमारे साथ जी की जो हम एल हमारे उनकी मेहनत से आज ये काम शुरू हुआ है और हमें बहुत खुशी है और सभी को भी मुबारक देना चाहती हूँ देखो इस काम के लिए हमें ये जरूरत थी कोई गरीब इंसान अपने बच्ची की शादी करता था और ये हाल कम पड़ता था इसलिए आ, हमारे एमपी साहब ने ये पैसा दिया हाल बन रहा है उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ शुक्रिया करती हूँ हाल बनेगा और लोगों के काम आ गया कोई शादी करेगा किसी को बेचारे को पैसे बचेंगे क्योंकि हाल कोई हमारे गरीब लोग हैं इधर वो बाहर हाल नहीं ले सकते और इधर इस हाल में ही काम करते हैं और कोई भी कोई उठाला होता है या कोई दसमा होता है इधर ही करते हैं और इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने एम साहब का और एम साहब का और पूरी टीम का जिन्होंने ये हमें आज हाल का हमें नवरिक्षण की है और काम शुरू हुआ है और मैं इतना ही कहती हुए जय हिंद जय भारत जय भारत माता की मैं ये कहूँगा मैं इस गुरुविद्यास सभा का चेयरमैन हूँ और आज हमारी दरीना मांग जो है ऑनरेबल जुगुल किशोर ने वो पूरी की है उसके साथ साथ आज सात शर्मा एम एल का मंत्री साहब का भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और उनकी टीम जीत अंग्राल अयोध्या गुप्ता संजय बडू सब का आए हुए साथियों का नीलम लाल गोत्रा जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज कीमती वक़्त निकाल कर एक्शन के साथ आकर इस हॉल का उद्घाटन किया है हम दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी का और ख़ासकर एम साहब का जिन्होंने अपने फंड से इस गरीब आवाम को हौसला अफजाई की है और पब्लिक के लिए काम आएगा ये कम्युनिटी हॉल बनेगा जहाँ पर गरीब लोग जो हैं उनका भला होगा धन्यवाद